देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज, देश की शान। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन से धोएं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज, मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं देश की उन तमाम बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि भारत हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों की एंट्री को बंद करेगा। खत्म हुआ कोरोनिल विवाद, अब बाजार मिल सकेगी श्वासारी कोरोनिल किट। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर योग आयुर्वेद का काम करना एक गुनाह हो। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, इस समय दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना वायरस के 5800 मरीज हैं। दिल्ली में मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। कोलकाता में आज इस्कॉन द्वारा आयोजित उल्टा रथ यात्रा समारोह में तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां ने लिया हिस्सा। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने कहा, मैं मस्जिद कमेटी से अनुरोध करता हूं कि आतंकवादियों को धार्मिक स्थलों का उपयोग न करने दें। बिहार में कोरोना वायरस के 88 नए मामले सामने हैं। राज्य में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 10076 हो गई। पीएम मोदी के भोजपुरी ट्वीट पर रावड़ी ने उसी अंदाज में दिया जवाब, कहा गरीब लोग के राउर भाषण न राशन चाहिए। विधान परिषद चुनाव जीतने वाले 9 उम्मीदवार को सभापति ने दिलाई शपथ, सदस्यों की संख्या 2 गुना होने के बाद भी विपक्ष के नेता से वंचित रहेगा राजद। बिहार में मास्क लगाना अनिवार्य, ना पहना तो दुकानें मॉल सील होंगे, जब्त होगी गाड़ियां। उत्तर प्रदेश में एक ही पैन नंबर पर काम कर रहे थे 2500 शिक्षक, एसटीएफ को सौंपी गई जांच। कांग्रेस के बागी विधायक अदिति सिंह की सदस्यता पर विधानसभा अध्यक्ष ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। यूपी में 6500 से अधिक कोविड हेल्प डेस्क बने, लक्ष्य 10000 कोविड हेल्प डेस्क बनाने का है। कल यूपी में एक दिन में सर्वाधिक 26489 कोविड सैंपलों की जांच की गई। अब तक प्रदेश में कुल 7,58,915 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 585 मामले सामने आए, एक्टिव मामलों की संख्या 6709 है। अब तक कोरोना से 718 लोगों की जान जा चुकी है। अखिलेश यादव को जन्मदिन पर ओम प्रकाश राजभर ने बधाई देते हुए कहा, अहंकार त्याग दे वरना 2017 जैसा होगा हाल। घोषित हुआ यूपी मदरसा बोर्ड रिजल्ट, 82% छात्र हुए पास, टॉप 10 को मिलेगा लैपटॉप और 1,00,000 इनाम। अलीगढ़ में साधु को सांप ने डसा, झाड़ फूंक से जोखिम में पड़ी जान, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। बाराबंकी में वर्चस्व की जंग में युवक की गोली मारकर हत्या, घटना हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र के बरावा गाँव की है। आजमगढ़ जिले के भरत थाना क्षेत्र के भीरा बाजार में बेखौफ बदमाशों ने किराना व्यवसायी पर फायरिंग की, बाल बाल बचा व्यवसायी। अब तक इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन से धोएं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।